महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर अब तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, वहीं अब राज्य पर कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले एक बार फिर बढ़ने लगी। इसकी जानकारी खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री राजेश टोपे ने लोगों को दी है। राज्य में डेल्टा प्लस से संक्रमित मरीजों की संख्या 45 पार कर चुकी है। इससे पहले रत्नागिरी, थाने, जलगांव और पुणे में डेल्टा प्लस के मरीज पाए गए थे। अब मराठवाड़ा के बीड और औरंगाबाद में भी डेल्टा प्लस के मरीज मिलने से राज्य सरकार चिंतित नजर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जानकारी दी है कि डेल्टा प्लस के संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। डेल्टा प्लस से संक्रमित मरीजों की संख्या 21 से 45 तक पहुंच चुकी है, जिसमें पुरुष मरीज 27 और महिला मरीजों की संख्या 18 बताई जा रही है। ज्यादातर मरीज रत्नागिरी, थाने, जलगांव, मुंबई और पुणे में मिले हैं। वहीं मराठवाड़ा के बीड और औरंगाबाद जिले में डेल्टा प्लस के एक एक मरीज मिले हैं। डेल्टा प्लसच्या संख्येमध्ये वृद्धि झालेली आहे, वाढ झालेली आहे। 21 वरून ती संख्या आता 45 वर गेलेली आहे। साधारण पुरुषांची संख्या 27 आणि स्त्रियांची संख्या 18 असे मिळून ही 45 संख्या आहे। आणि साधारणपणे रत्नागिरी, जळगाव, ठाणे, मुंबई, पुणे आणि मराठवाड्यामध्ये एक एक रुग्ण औरंगाबाद, बीड अशा स्वरूपाने त्या ठिकाणी आढळलेले आहेत। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई।